वेलकम टू सीएलसी जुडिशियल। बहुत ही कम दिन रह गए हैं, पॉजिटिविटी बना के रखिएगा। आप सभी का एग्ज़ाम बिहार एपीओ मेंस अच्छे से ही होगा। जितनी ज़्यादा आप पॉजिटिविटी बना के रखेंगे, आपको उसका उतना ही लाभ होगा। एट द आउटसेट हम लोग अपने सीएलसी ग्रुप में हर रोज़ एक क्वेश्चन पीटी मेंस और इंटरव्यू के पर्पज़ से पूछते हैं, और उन्हीं क्वेश्चंस का यूट्यूब पे वीडियो बना के भी पोस्ट किया जाता है टॉपिक वाइज। यह सीएलसी की बिल्कुल फ्री सर्विसेज है। अगर आप सीएलसी ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम लिखकर हमें 9262810582 पे व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको सीएलसी फ्री ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। हम लोग शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है इम्पीचिंग क्रेडिट ऑफ ए विटनेस, और ये दिया हुआ है सेक्शन 155 में। हम लोगों ने पहले के वीडियो में देखा सेक्शन 138, 140, 145, 154। दिस आल्सो प्रोवाइड फॉर इम्पीचिंग द क्रेडिट ऑफ विटनेस। सबका एक ही मीनिंग होता है, टेस्टिंग द वेरासिटी, चेकिंग द क्रेडिट, इम्पीचिंग द क्रेडिट। तो उसके अलावा, इन एडिशन टू दो सेक्शंस 155, उनके अलावा एक अलग से सेक्शन है। आई एम सॉरी, वो तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन ये पूरा करना है मुझे। तो सो फार एज दिस सेक्शन, सेक्शन 155 इज ऑल्सो वन ऑफ द मोड ऑफ इम्पीचिंग क्रेडिट ऑफ द विटनेस। ये कुछ तरीके बताता है फॉर इम्पीचिंग द क्रेडिट ऑफ ए विटनेस, आइदर बाई एडवर्स पार्टी और विद द कंसेंट ऑफ पार्टी हु कॉल्स इट। कोई भी कर सकता, आइदर प्रोसिक्यूशन और द एक्यूज और पार्टी हु कॉल्स द विटनेस और द एडवर्स पार्टी। पहला, बाई एविडेंस ऑफ पर्सन हु टेस्टिफाइड डेट दे फ्रॉम देयर नॉलेज ऑफ द विटनेस बिलीव हिम टू बी अनवर्दी ऑफ क्रेडिट। इंडिपेंडेंस एविडेंस है। और दूसरा, बाई प्रूफ डैट विटनेस हैज बिन ब्राइब्ड और हैज एक्सेप्टेड द ऑफर ऑफ ए ब्राइब और हैज रिसीव एनी अदर करप्ट इंड्यूसमेंट टू गिव हिज एविडेंस। या तीसरा, बाई प्रूफ ऑफ फॉर्मर स्टेटमेंट इन कंसिस्टेंट विथ एनी पार्ट ऑफ हिज एविडेंस विच इज लाइबल टू बी कंट्राडिक्टेड। तो सो फार एज अगर कोई आदमी आज कुछ कहे और कल कुछ कहे, तो स्वाभाविक है कि दोनों स्टेटमेंट इनकन्सिस्टेंट हैं और ऐसे स्टेटमेंट पे रिलाई नहीं किया जा सकता। और इसी चीज़ को ये क्लॉज 3 में बताया गया कि फॉर्मर स्टेटमेंट इनकन्सिस्टेंट, तो उस विटनेस का कोई क्रेडिट नहीं होता, मतलब उस विटनेस का हम लोग कोई भरोसा नहीं कर सकते। इसका एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ए विटनेस डिक्लेयरिंग अनदर विटनेस टू बी अनवर्दी ऑफ क्रेडिट मे नॉट अपॉन हिज एग्जामिनेशन इन चीफ गिव रीजन्स फॉर हिज बिलीव बट ही मे बी आस्क्ड हिज रीजन्स इन क्रॉस एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन इन चीफ में इस रीजन के लिए उससे क्वेश्चंस नहीं पूछे जा सकते, लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। कुछ इलस्ट्रेशंस दिए हुए हैं, ए सूज बी फॉर द प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड एंड डिलीवर्ड टू बी, सी सेज डैट ही डिलीवर्ड द गुड्स टू बी, एविडेंस इज ऑफर डैट ऑन ए प्रीवियस अकेजन ही सेड डैट ही हैड नॉट डिलीवर्ड द गुड्स टू बी, एविडेंस एडमिसिबल बिकॉज दोनों स्टेटमेंट प्रीवियस अकेजन के और अब के दोनों इनकन्सिस्टेंट हैं, तो इनका एविडेंस दिया जा सकता है। ये सेक्शन 11 से भी फैक्ट्स आइदर कंसिस्टेंट और इनकन्सिस्टेंट विथ रेलिवेंट फैक्ट डैट बिकम रेलिवेंट देमसेल्व्स। तो और आज का जो क्वेश्चन है, ये सेकेंड इलस्ट्रेशन से लिया गया है। ए इज इंडिक्टेड फॉर द मर्डर ऑफ बी, सी सेज डैट बी व्हेन डाइंग डिक्लेयर डैट ए हैड गिवन बी द वुंड ऑफ विच ही डैट, एविडेंस इज ऑफर टू शो डैट ऑन अ प्रीवियस अकेजन सी सेड डैट वुंड वॉज नॉट गिवन बाई ए और इन हिज प्रेजेंस, द एविडेंस इज एडमिसिबल। तो दोनों इनकन्सिस्टेंट स्टेटमेंट है, तो जो आदमी कभी कुछ बोले फिर कुछ बोले, तो उस आदमी के बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और अगर ऐसा कोई इंस्टांस है तो उसका एविडेंस दिया जा सकता, और यही क्वेश्चन पूछा गया एज इट इज। तो एमसीक्यू का आंसर डी, एडमिसिबल दिस एविडेंस इज। और ये आपको शॉर्ट नोट्स अगर लिखने को आता है तो
राइट ए शॉर्ट नोट अपॉन इम्पीचिंग द क्रेडिट ऑफ विटनेस। तो आप स्टार्ट कीजिए सेक्शन 138, 140, 145, 154। दीज आर द वेरियस मीन्स ऑफ इम्पीचिंग द क्रेडिट ऑफ विटनेस, चेकिंग हिज टेस्टिमनी एंड अल्सो 146। कल के वीडियो में देखेंगे क्वेश्चंस लॉफुल ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन बाई इंज्यूरिंग द करेक्टर ऑफ ए विटनेस। एंड सेक्शन 155 लेज डाउन ए डिफरेंट मेथड ऑफ डिसक्रेडिटिंग ए विटनेस। पहला जो इसका क्लॉज है, अनवर्दी ऑफ क्रेडिट बाई प्रोड्यूसिंग विटनेस हु टेस्टिफाई फ्रॉम द पर्सनल नॉलेज ऑफ द विटनेस डैट ही इज अनवर्दी ऑफ क्रेडिट। दूसरा करप्ट इंड्यूसमेंट एंड तीसरा फॉर्मर इनकंसिस्टेंट स्टेटमेंट। तो इस तरह से आप सारे सेक्शंस का 138, 140, 145, 146, 155 इनका जिक्र करते हुए आप लिखिए। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। कैन जज हिमसेल्फ आस्क के क्वेश्चन फ्रॉम विटनेस। तो ये मैं सोच रहा था कि आज एविडेंस एक्ट कंक्लूड कर दूंगा, लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से थोड़ा कम ही शॉर्ट में कर रहा है। 162 से 167 कल कंक्लूड करेंगे। दिस क्वेश्चन इज बेस्ट फ्रॉम सेक्शन 165, जो कि आज के टॉपिक कल के लिए होल्ड पे रखते हैं इंटरव्यू का क्वेश्चन। कमिंग नाउ बैक टू सेक्शन 156, क्वेश्चन टेंडिंग टू कोरोबरेट एविडेंस ऑफ द रेलिवेंट फैक्ट एडमिसिबल। तो कोई भी अगर एविडेंस है रेलिवेंट फैक्ट का और कोरोबरेट, पहले भी वही कहा अभी वही कहा, तो डैट एविडेंस विल बिकम कोरोबरेटेड एंड एडमिसिबल। इसको इलस्ट्रेशन से समझाया गया। एक एकम्प्लिस है, वो रॉबरी के बारे में बताता है जिसमें उसने पार्ट लिया। ही डिस्क्राइब्स वेरियस इंसिडेंट्स अनकनेक्टेड विद द रॉबरी विच अकर्ड ऑन हिज वे टू एंड फ्रॉम द प्लेस वेर इट वॉज कमिटेड। इंडिपेंडेंट एविडेंस ऑफ दीज फैक्ट्स मे बी गिवेन इन ऑर्डर टू कोरोबरेट हिज एविडेंस एज टू द रॉबरी हिम इट सेल्फ। तो रेलिवेंट फैक्ट को कोरोबरेट करने के लिए इंडिपेंडेंट एविडेंस दिए जा सकते हैं। दिस इज वॉट सेक्शन 156 प्रोवाइड्स। एंड 157, फॉर्मर स्टेटमेंट ऑफ विटनेस मे बी प्रूव टू कोरोबरेट लेटर टेस्टिमनी। अब ये जो 157 आप पढ़ें, तो ये लाल पेन से जो हमने लिखा है, लॉर्ड रोमिली कमीशन उनके सजेशन पे ये सेक्शन एविडेंस एक्ट में, उन्हीं के सजेशन पे 157 का लॉ आया और हम लोगों ने इसे इंडियन एविडेंस एक्ट में इनकॉर्पोरेट किया है सेक्शन 157 में। द प्रिंसिपल है कि इफ देर इज कंसिस्टेंसी बिटवीन फॉर्मर स्टेटमेंट एंड प्रेजेंट स्टेटमेंट, इट मे बी ए ग्राउंड ऑफ बिलीविंग इट। वीडियो जल्दी करेंगे। तो ये 157 लेज डाउन इन ऑर्डर टू कोरोबरेट द टेस्टिमनी ऑफ विटनेस एनी फॉर्मल स्टेटमेंट मेड बाई सच विटनेस रिलेटिंग टू द सेम फैक्ट एट और अबाउट द टाइम व्हेन द फैक्ट टुक प्लेस और बिफोर एनी अथॉरिटी लीगली कंपिटेंट टू इन्वेस्टिगेट द फैक्ट मे बी प्रूव्ड। इस सेक्शन से अलाउ ए विटनेस टू बी कोरोबरेटेड बाई प्रूफ डैट ही सेड द सेम थिंग ऑन द प्रीवियस ओकेजन, द ओनली कंडीशन बींग डैट हिज प्रीवियस स्टेटमेंट शैल हैव बीन मेड आइदर अबाउट द टाइम ऑफ द अकरेंस और बिफोर ए कंपिटेंट अथॉरिटी। द फोर्स ऑफ एनी कोरोबरेशन बाई मीन्स ऑफ प्रीवियस कंसिस्टेंट स्टेटमेंट इविडेंटली डिपेंड्स अपॉन द ट्रूथ ऑफ द प्रोपोजिशन डैट ही हु इज कंसिस्टेंट डिजर्व्स टू बी हर्ड। और इसमें हम लोग देखेंगे कि जो जो किसी विटनेस के टेस्टिमनी को क्रोबरेट करना है, तो उसका कोई फॉर्मर स्टेटमेंट है रिगार्डिंग सेम फैक्ट। फॉर्मर स्टेटमेंट मस्ट बी ऑफ द सेम फैक्ट एट और अबाउट द टाइम व्हेन द फैक्ट टुक प्लेस, जब वो फैक्ट मतलब अकरेंस हुआ, और बिफोर एनी अथॉरिटी लीगली कंपिटेंट टू इन्वेस्टिगेट द फैक्ट। एक केस है राम प्रसाद वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिस सेक्शन परमिट्स अ प्रूफ ऑफ एनी फॉर्मर स्टेटमेंट बाई विटनेस रिलेटिंग टू द सेम फैक्ट बिफोर एनी अथॉरिटी लीगली कंपिटेंट टू इन्वेस्टिगेट द फैक्ट।
बट इट्स यूज इज लिमिटेड टू कोरोबोरेशन ऑफ टेस्टिमनी ऑफ विटनेस एंड नो अदर पर्पस. इसका दो इंग्रेडिएंट स्टेटमेंट मस्ट हैव बीन मेड एट और अबाउट द टाइम व्हेन द फैक्ट और ऑकरेंस टुक प्लेस. इट मस्ट हैव बीन मेड बिफोर एनी अथॉरिटी लीगली कंपिटेंट टू इन्वेस्टिगेट द फैक्ट. इसमें देखिए एक केस है सुप्रीम कोर्ट का महावीर सिंह. इस केस में स्टेटमेंट वॉज मेड सून आफ्टर अकरेंस बाई आई विटनेस टू हिज फादर. फादर नरेटेड, किसी बच्चे ने अपने पिताजी को बताया कि उसके साथ क्या हुआ और फादर नरेटेड द डिटेल्स हर्ड बाई हिम फ्रॉम हिज सन इन एफ आई आर लॉज. इंटरवल बिटवीन अकरेंस एंड टाइम ऑफ रिपोर्टिंग बाई आई विटनेस टू हिज फादर डिड नॉट क्रॉस द बाउंडेज इन विसेज बाई द वर्ड्स व्हेन द अकरेंस टुक प्लेस. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टेस्टिमनी ऑफ फादर कैन बी यूज फॉर कोरोबोरेशन पर्पस. मैं इसको आपको एक देसी तरीके से समझाता हूँ. कोई बच्चा आया और उस बच्चे ने अपने पिताजी को बताया कि पापा पापा मुझे ए ने पीटा और मुझे चोट लगी है. बच्चे का इलाज, मान लीजिए मारपीट का केस दर्ज हो गया, तो बच्चे का फादर का बयान कि बच्चे का फादर बताता है कि मेरे को मेरा मेरा मुझे मेरे बेटे ने बताया कि उसको ये ने पीटा. तो और जब फादर कोर्ट में आएगा और कोर्ट में बताएगा कि हाँ मेरे को मेरे बेटे ने बताया कि ए ने उसको पीटा था, तो डेट इज एडमिसिबल. और एक और केस है, सुप्रीम कोर्ट अलाउड द स्टेटमेंट एक यंग गर्ल का, विक्टिम और रेप की थी, टू बी कोरोबोरेटेड विथ गर्ल्स ऑन अ स्टेटमेंट टू हर मदर. एक कोई लड़की थी, उसका रेप हो जाता है. रेप के 4 घंटे के बाद वो अपनी माँ को बताती है कि उसका रेप हुआ. तो उसकी माँ का जो स्टेटमेंट कि उसकी बेटी ने उसको बताया कि उसका रेप हुआ, ये ऐसा उसके माँ का स्टेटमेंट, तो इस स्टेटमेंट का कोरोबोरेशन सेक्शन 157 में हो सकता है कि सी हैड बीन रेप बाई द एक्यूज. इसका लॉजिक ये है कि जो फॉर्मर स्टेटमेंट मस्ट हैव बीन मेड ऑफ द सेम फैक्ट एट और अबाउट, जैसे ही वो फैक्ट आकर होता है. तो क्वेश्चन इज दिस कि जब ऐसा होता है तो प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम इज सो शॉर्ट कि इट लिव्स नो स्कोप फॉर ट्यूटरिंग और कंकॉक्टिंग ए डिफरेंट स्टोरी. तो और इस सेक्शन से, दिस सेक्शन प्रोवाइड्स एक्सेप्शन टू द जनरल रूल ऑफ हियरसे एंड ब्रिंग स्टेटमेंट अंडर दिस एक्सेप्शन. प्रोसिक्यूशन को इस्टेब्लिश की प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम बिटवीन टेकिंग प्लेस ऑफ अकरेंस एंड मेकिंग ऑफ द स्टेटमेंट वॉज सो क्लोज एंड देर कैन बी नथिंग विच कुड प्रॉम्प्ट फॉर ट्यूटरिंग. और इसका टेस्ट है कि द स्टेटमेंट मस्ट बी मेड एज अर्ली एज पॉसिबल. तो अब नाउ फॉर द पर्पसेज ऑफ सेक्शन 157, अब जैसे इस केस में रामेश्वर वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान में कि उस लड़की ने बताया अपनी माँ को कि उसका रेप हो गया, तो लड़की के द्वारा अपनी माँ को बताना ये भी पार्ट ऑफ रेस जेस्टे है. आप देखेंगे उस पे वीडियो बना हुआ है. अब उसके मदर का बयान पुलिस को कि मेरे को मेरी बेटी ने बताया कि उसका रेप हो गया, और यही बात उसकी मदर कोर्ट में बोलती है कि उसको उसकी बेटी ने बताया कि उसका रेप हुआ. तो कोर्ट में जैसे ही बोलेगी कि उसको उसकी बेटी ने बताया, तो डेट बिकम्स हिट बाय हियर्स. बट ड्यू टू सेक्शन 157 डेट एविडेंस बिकम्स एडमिसिबल. तो इसलिए कहा जाता है कि सेक्शन 157 इज आल्सो वन ऑफ द एक्सेप्शन ऑफ हियर्स ए रूल. सेक्शन 158 व्हाट मैटर्स मे बी प्रूव्ड इन कनेक्शन विद प्रूफ अ स्टेटमेंट रेलेवेंट अंडर सेक्शन 32-33. तो ऑल मैटर्स इसमें क्वेश्चन सेक्शन ये पढ़ देते हैं. व्हेनेवर एनी स्टेटमेंट रेलेवेंट अंडर सेक्शन 32-33 इज प्रूव्ड, ऑल मैटर्स मे बी प्रूव्ड. 159 रिफ्रेशिंग मेमोरी,
अगर कोई विटनेस कोई चीज़ भूल जाता है तो वो अपनी मेमोरी रिफ्रेश कर सकता, हैंडराइटिंग या बुक या ये सारी चीज़ें देख सकता। कहने का मतलब है कि कोई भी विटनेस कोर्ट में बयान दे। याददाश्त किसी की पक्की नहीं होती, हर कोई भूल जाते हैं, तो अगर कोई विटनेस कुछ भूल जाता है तो उसे वो डॉक्यूमेंट वो रेफर कर सकता है। और इंडियन एविडेंस एक्ट में रूल्स एज टू रिफ्रेशिंग मेमोरी सेक्शन 159 से 161 तक दिया हुआ है। ए विटनेस में वाइल अंडर एग्जामिनेशन रिफ्रेश हिज मेमोरी बाई रेफरिंग टू एनी राइटिंग मेड टू इट या एनी राइटिंग आइदर मेड एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन और सो सून आफ्टर वॉट डेट कोर्ट कंसिडर्स डेट ट्रांजेक्शन मस्ट हैव बीन स्टिल फ्रेश इन हिज माइंड और एनी राइटिंग मेड बाई अदर पर्सन अबाउट द ट्रांजेक्शन विच वॉज रेड बाई द विटनेस एनी प्रोफेशनल ट्रीटिज। तो ये देखिए 159 में, ए विटनेस में वाइल अंडर एग्जामिनेशन रिफ्रेश हिज मेमोरी बाई रेफरिंग टू एनी राइटिंग मेड बाई हिमसेल्फ एट द टाइम ऑफ द ट्रांजेक्शन कंसर्निंग विच ही इज क्वेश्चन और सो सून आफ्टर वर्ड्स डेट द कोर्ट कंसिडर्स इट लाइकली डेट द ट्रांजेक्शन वॉज एट दैट टाइम फ्रेश इन हिज मेमोरी। मान लीजिए मैं डायरी लिखता हूँ रोज और मुझे कोर्ट में बुलाया गया कि भाई आइए और इस तारीख को बताइए आपने क्या देखा, तो मैं अपनी डायरी जो रोज मैं लिखता हूँ देख के मैं बता सकता। दैट सेक्शन 159 परमिट्स मी। नॉर्मली रूल है कि विटनेस जब कोर्ट में आएगा तो अपनी याददाश्त से बताएगा, वो कोई चीज़ देखने का देख के नहीं बता सकता। लेकिन सेक्शन 159 के अंतर्गत अगर विटनेस कोई चीज़ भूल गया, स्वाभाविक है कि हर चीज़ें नहीं याद हो सकती, अगर भूल गया तो जहाँ पे वो चीज़ें हैं विटनेस उसको देख के अपनी मेमोरी रिफ्रेश कर सकता है। और इसमें द रीजन फॉर रिफ्रेशिंग मेमोरी कि विटनेस शुड नॉट सफर फ्रॉम एनी मिस्टेक और उसे अपॉर्चुनिटी होना चाहिए कि मे एक्सप्लेन द इनकन्सिस्टेंसी। ये सब कुछ टाइप हो गया है। तो राइटिंग क्या क्या यूज हो सकती है फॉर द पर्पसेज ऑफ रिफ्रेशिंग मेमोरी बाई विटनेस? रिपोर्ट, डायरी, सर्टिफिकेट, अकाउंट बुक, डैंग डिक्लेरेशन, नोट्स ऑफ स्पीच, पंचनामा, डिपोजिशन, नोट्स ऑफ पुलिस अफसर। तो विटनेस वॉज अलाउड टू लुक एट डैंग डिक्लेरेशन। अगर किसी विटनेस ने डैंग डिक्लेरेशन लिखा है किसी का, मरने वाले ने उसे बयान दिया और उसने नोट किया उसे, तो डेट विटनेस में रेफर्ड हिज नोटेड डैंग डिक्लेरेशन। और ए पुलिस अफसर में यूज हिज स्पेशल डायरी फॉर रिफ्रेशिंग मेमोरी। मेडिकल मैन इज ऑल्सो अलाउड टू रिफ्रेश हिज मेमोरी बाई रेफरिंग टू ए रिपोर्ट जिसको उसने खुद बनाया है। या अब नाउ क्वेश्चन इज दिस कि विटनेस का चॉइस है, नो वन कैन फोर्स हिम, इफ विटनेस डिजायर्स ही कैन रिफ्रेश हिज मेमोरी। और सेक्शन 160 है, ए विटनेस में ऑल्सो टेस्टिफाई टू फैक्ट्स मेंशनड इन एनी सच डॉक्यूमेंट ऑल्दो ही हैज नो स्पेसिफिक रिकलेक्शन ऑफ द फैक्ट्स देमसेल्फ इफ ही श्योर डेट द फैक्ट्स वेयर करेक्टली रिकॉर्डेड इन द डॉक्यूमेंट। इसका एक इलस्ट्रेशन दिया है, बुक कीपर में टेस्टिफाई टू फैक्ट्स रिकॉर्डेड बाई हिम इन बुक्स रेगुलरली केप्ट इन कोर्स ऑफ बिजनेस इफ ही नोज डेट द बुक्स वेयर करेक्टली केप्ट ऑल्दो ही हैज फॉरगेटन। भूल गया तो उसे देख सकता है। तो सेक्शन 159 है, डील्स विथ केसेज वेयर अ रेफरेंस टू द राइटिंग रिवाइव्स इन द माइंड ऑफ विटनेस एज ए रिकलेक्शन ऑफ द फैक्ट्स। लेकिन साथ में इवन ए पेरूजल ऑफ डॉक्यूमेंट समटाइम्स नॉट एबल टू रिफ्रेश द मेमोरी। तो अब इन सच केस अंडर सेक्शन 160 कि विटनेस कोई जरूरी नहीं है कि रिटन अपना डॉक्यूमेंट ही कोई देखे। सेक्शन 160 को आप देखेंगे तो मे ऑल्सो टेस्टिफाई फैक्ट्स मेंशन्ड इन एनी सच डॉक्यूमेंट एज इज मेंशन्ड इन सेक्शन 159 ऑल्दो ही हैज नो
स्पेसिफिक रिकलेक्शन ऑफ द फैक्ट्स देमसेल्फ इफ ही शो दैट फैक्ट्स वर करेक्टली रिकॉर्डेड इन द डॉक्यूमेंट। तो सो फार सेक्शन 160 के विटनेस इट इज नॉट नेसेसरी दैट रिटन इंस्ट्रूमेंट जो है राइटिंग जो है उस पर ही विटनेस देखें, और वो ही द विटनेस में टेस्टिफाई टू द फैक्ट्स रेफर टू दैट रिटन मटेरियल इफ रिकॉग्नाइजेस द राइटिंग सिग्नेचर और इफ द विटनेस इज श्योर कंटेंट्स ऑफ दैट डॉक्यूमेंट वेर करेक्टली रिकॉर्डेड। और सेक्शन 161 है कि अगर जो भी मटेरियल विटनेस देखेगा अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए तो एडवर्स पार्टी का राइट है कि विटनेस ने कौन सा मटेरियल देखा, क्या देखा, और उस पॉइंट पे एडवर्स पार्टी विटनेस को क्रॉस एग्जामिन कर सकती है। कल हम लोग सेक्शन 162 से कंक्लूड करेंगे, वो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है। 162, 163, 164 जज का क्वेश्चन पूछने का पावर, 165 और लास्ट सेक्शन 167। तो आज जल्दी ख़त्म करते हैं इसको। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हर लॉ स्टूडेंट के पास ये इंफॉर्मेटिव वीडियो पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, टिल देन, बाय बाय।